हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज़रूरी बात आप सबको बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, स्पेशली उनके साथ जो कि अभी नर्सिंग में आना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नर्सिंग का, लेकिन ये डाउट बहुतों के मन में आता है और आया भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, देखो मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं इंस्टा पर कि मैम हम 11th में हैं या 12th में हैं या 12th कर चुके हैं तो भी हम नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आती है, हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे। काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि मतलब उन लोगों को भी बता रही हूँ मैं जो वो मुझे मैसेज करते हैं कि काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते तो आप नहीं कर सकते हो, मेडिकल लाइन में इतनी पढ़ाई होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसे ऐसे करके मतलब उनको एक नेगेटिविटी माइंड में डाल देते हैं। तो क्या हम नर्सिंग कर सकते हैं? तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो आपके 11th 12th में कितने मार्क्स आए हैं या फिर आज तक कितने आते रहे हैं, या फिर अगर आप नर्सिंग कर भी रहे हैं तो नर्सिंग में भी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप नर्सिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो फुलफिल करना ज़रूरी है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, अदरवाइज ऐसा नहीं। मान लीजिए अगर आपके 65% मार्क्स आए हैं 12th में हैं या नर्सिंग में, नर्सिंग आप कर भी रहे हैं, 11th 12th के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनके स्टूडेंट्स के, अगर आपके मान लीजिए 65% आए हैं 60% आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग नहीं कर सकते हो। बल्कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे बच्चों को देखा है, इंक्लूडिंग माय बैचमेट्स, मेरे भी कुछ बैचमेट्स थे जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्किल्स थी ना उनकी, वो उनकी बहुत अच्छी थी। इवन जिनके बहुत जो टॉपर रहते थे या फिर जिनकी परसेंटेज बहुत हाई आती थी, ठीक है, बहुत अच्छी परसेंटेज आती थी, 80-85-90% आती थी, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा काम वो लोग करते थे जिनके परसेंटेज 50-60% आते थे। ठीक है, तो परसेंटेज से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी कि आप नर्सिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल अपने मन में मत लेकर आओ आप कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते हो। नर्सिंग देखो ऐसा प्रोफेशन है, इसमें सिर्फ पढ़ाई, देखो नो डाउट पढ़ाई तो काम आनी ही आनी है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसी को आप अप्लाई करोगे अपना जो भी काम है वहाँ पर, है ना। हम पेशेंट, हम किसी की लाइफ से डील कर रहे हैं और वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारी एक तो सी मिस्टेक ना, जरा सी मिस्टेक किसी की लाइफ ले सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पढ़ाई तो काम आती ही आती है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते हो कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप नर्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, किसी को आंसर पता होता है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इतने अच्छे से लिख नहीं पाते, हो सकता है इसलिए मार्क्स रह गए, किसी की स्लो राइटिंग है, हो सकता है पेपर छूट गया, या फिर चलो मार्क्स इतने नहीं भी आए, जो भी है, लेकिन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट इन दोनों में डिफरेंस है। मैंने बताया ना, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं वो भी काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी थोड़ी वीक है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप कोई भी प्रोफेशन में एंटर करते हैं ना, मान लीजिए आपने नर्सिंग में एंटर किया, आपने नर्सिंग स्टार्ट कर दी, एक इंटरेस्ट भी बनता है, और जब वो इंटरेस्ट डेवलप होता है तो अपने आप हर चीज़ में इम्प्रूव करने लगते हैं, आपके मार्क्स भी अच्छे होने लगेंगे, आपके स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स भी इम्प्रूव होने लगेंगी। ठीक है, तो अगर आपसे भी आगे से अगर कोई पूछे कि हमारे परसेंटेज कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो क्या हम नर्सिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 12th तक मुश्किल से पास होते थे, मुश्किल से, और अब वो मेडिकल लाइन में आके वो ऐसे छाए हुए हैं, बिल्कुल टॉपर बन रहे हैं, टॉप मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं ना उनमें उनका नाम रहता है,
और जहाँ वो काम करते हैं वहाँ भी उनकी इतनी वाहवाही रहती है कि हाँ ये बेस्ट स्टाफ है, हमारा बेस्ट स्टाफ है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये सोच के डीमोटिवेट मत होइए कि आपका अभी एट प्रेजेंट जो स्कोरिंग रह रहा है वो क्या है, ठीक है। आप आगे का सोचिए, जो आपका मन है वो कीजिए और जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स योर गोल, दैट्स इट। और आपके और भी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास जो इंस्टा पर मैसेज में आते हैं, मैं हर एक का जवाब दूंगी ऐसे ही वीडियोस पर। तो आपके भी जो अभी YouTube फैमिली है मेरी, आपके भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा होगा आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर आंसर करूँगी, गाइड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक।